नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, धूप और गर्मी जाड़ा सब एक साथ आ रहा है, ऐसे मौसम में बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित रखें और कौन कौन सी बीमारियां बच्चों को इस समय हो सकती है? देखिए, बदलते मौसम में हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बच्चों को खासतौर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि क्लाइमेट कभी गर्म कभी ठंडा या एकदम से जो है ठंडा लगने लगना, इन सब चीज़ों से होता क्या है, बच्चों में सर्दी जुकाम बुखार, इन तीनों परेशानी होती है। साथ ही साथ नाक बहने लगता है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस मौसम में जो कोल्ड एरिया होता है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि गर्मी के डायरिया में इतनी दिक्कत हमें नहीं आती है, उसमें तो डिहाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग ड्रिप वगैरह लगा के मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जाड़े का जो ये बदलते मौसम का कोल्ड एरिया होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने की बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं प्रत्येक गार्जियन सबको समझाता हूँ कि जाड़े के कोल्ड एरिया में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, बच्चे को ठंडी से जितना भी हो सके बचाएं, क्योंकि इसमें दवाओं का कोई बहुत रोल नहीं होता है, मेन खाली ठंडी अगर दूर होगी तो बच्चे को आराम मिल जाएगा जो है, और साथ में ये सर्दी जुकाम या खांसी जो है इसको सिम्टोमेटिक जो भी इसका इलाज होता है वो किसी अच्छे और योग्य चिकित्सक से जाके दिखाएं और कराएं इसको, जो बच्चे को निरंतर आराम मिलेगा इससे जो है।